हेलो, गुड आफ्टरनून। तो अब हम सीखने वाले हैं अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स का मतलब होता है एनी फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फोर्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। अब कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है? उसके ओनली एट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर ही हमको जो है दो कंपोनेंट उसके बनाने हैं, वरना एक फोर्स के कई रिजोल्यूशंस या कई उसके पार्ट्स बन सकते हैं। हमको स्टडी करना है लिमिटेड सिलेबस में, वो है ओनली अबाउट दी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो रिजोल्यूशन होंगे, फोर्स के जो पार्ट्स होंगे, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है ना, उसके ऊपर आने वाले रिएक्शन को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं बदलेंगे। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर देखो तीन केसेस बनाए हैं, द फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड द थर्ड केस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओ, उसको एक फोर्स एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है जो कि कौन से डायरेक्शन में है। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एंड दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वर्टिकल। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बॉडी पर एक्ट हो रहा है। आप मुझे बताइए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसका नतीजा क्या होगा? ऑब्वियसली वो जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव होगी। क्या वो वर्टिकली ऊपर जाएगी बॉडी जिसको आप हॉरिजॉन्टली धकेल रहे हो? कभी ऐसा हुआ है आप किसी बंदे को धकेल रहे हो और वो हवा में उड़ने लग जाए? नहीं होता है। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ प्रिंसिप और लॉ ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का हम कहते हैं, कि कोई भी बॉडी को जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया जाए वो उसी डायरेक्शन में मूव होती है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रेजिस्टेड बाय सम अदर काइंड ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव होगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टली अगर कोई बॉडी एक्ट हो, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स अगर बॉडी पे एक्ट हो रहा है, तो वर्टिकली मूवमेंट कुछ नहीं होगा। सेकंड, अगर समझो कोई सरफेस है जिस पे मैंने वर्टिकल फोर्स लगाया, वर्टिकल फोर्स का मतलब क्या है, या तो मैं उसको पकड़ के ऊपर खींच रहा हूँ या और कोई वजह हो सकती है, तो वर्टिकली अगर मैं क्लियर वर्टिकल फोर्स अगर अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा नतीजा, जो मेरी बॉडी है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी, राइट? लेकिन वो हॉरिजॉन्टली इधर उधर मूव नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर अगेन, कि भाई आपका जो फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। अब हम आ गए तीसरे केस पर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है और उस पर जो आने वाला जो फोर्स है ना, इट इज़ एक्टिंग एट सम काइंड ऑफ एंगल से अल्फा, अल्फा एंगल पे वो एक्ट कर रहा है। अब इसका नतीजा क्या होगा आप लोग मुझे बताइए। जब इंक्लाइंड फोर्स ऐड करूँगा तो कुछ हद तक बॉडी आगे भी सरकेगी और कुछ हद तक बॉडी क्या होगी, सॉरी, नीचे की तरफ भी सरकेगी। यस, एम आई राइट? आगे भी मूव होगी, जो इंक्लिनेशन है आगे भी मूव होगी, नीचे भी मूव होगी। आई टेक एन एग्जाम्पल नंबर फोर, अगेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा। इसको मैंने समझो एक ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया जो इंक्लाइंड है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ भी जाएगा और साथ ही साथ में थोड़ा आगे की तरफ भी सरकेगा, राइट? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस जाएंगे। सो दीज फोर्सेस आर वन एंड आर टू, या फिर हम इसको नाम दे सकते हैं एफ वन एफ टू, जैसा मुनासिब समझो। दीज आर द रिजोल्यूशंस ऑफ द मेन फोर्स एफ, मतलब एफ से जो भी वर्क हो रहा है, F is inclined at some angle from horizontal line. तो ये जो impact create कर रहा है body पर, वो हम दो mutually similar, easier resolutions में, easier directions में हम force को represent करके दिखा सकते हैं, that is named as R1 and R2. जब हम vertical और horizontal में force को divide कर दें, सब divide कर दें, तो हमारे लिए आगे के reactions निकालना और resultant को find out करना आसान हो जाता है। सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स ऑफ अ फोर्स यही बताता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जो फर्स्ट केस है, जब फोर्स हमारा इम्प्लाई हो रहा है बॉडी को, बॉडी आगे सरक रही है, तो इसका ही मैं ब्रेक डाउन बनाता हूँ। इसका मतलब ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना एफ, या इसको एफ वन नाम दे देता हूँ मैं अभी, एफ वन जो है इसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको मैं नाम दे दूंगा R1, और वर्टिकल जो कंपोनेंट है नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, वो हो जाएगा क्या, ज़ीरो। क्यों? बिकॉज द बॉडी इज़ प्योरली एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल मैनर। सिमिलरली वर्टिकल जो केस है यहाँ पर भी वही होने वाला है,
ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया F2 सपोज, तो F2 होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा R1, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ दिखा दो या उस तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वैल्यू होने वाली है ज़ीरो, बिकॉज देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। लेकिन जहाँ इंक्लाइंड आएगा फोर्स, वहाँ पर R1 की भी कुछ वैल्यू रहेगी विच विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और R2 की भी कुछ वैल्यू रहेगी विच विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो R1 एंड R2 हियर आर द रेजोल्यूशन ऑफ F3 फोर्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। थैंक यू।